हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोंटा डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रोड माइक के लिए, जो मैंने आपको बताया था बूम माइक वर्सेस ऑन द माइक। तो अभी जो आपको फुटेज सुन रही है, माइक बिल्कुल मेरे बूम यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेम के ऊपर, तो मैं उससे आपको बता रहा हूँ कि कैसे थ्रो आ रहा है। बिल्कुल पास से है, इसमें बेसिकली जब आप दूर रहते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे पास वीडियो गो माइक 2 है फ्रेंड्स। अब इस माइक में आपको अगर चाहिए तो ये रोड की तरफ से स्पेशल वायर आती है लंबी, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वायर आती है फ्रेंड्स, जिसके साथ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, वो सिर्फ ऑलमोस्ट 7-8 सेंटीमीटर की है। तो उसके साथ आप ये बूम वाला सेटअप नहीं कर पाएंगे। और बूम के सेटअप में आपको दिख रहा होगा आवाज़ का ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है फ्रेंड्स। एंड नाउ द फ्रेंड्स, अब आप फ़र्क देख सकते हैं। अब मैंने बूम से हटा के बिल्कुल इसके ऊपर लगा दिया। दिस इज़ बेसिकली टू चेक द साउंड, कितना फ़र्क पड़ता है जब आप बूम स्टैंड यूज़ करते हैं। एंड नाउ इट इज़ ऑन द कैमरा, और आप थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया माइक से मेरा। एंड नो डाउट रोड गो माइक 2 इज़ अ वर्सेटाइल माइक। इसकी बेसिकली साउंड दोनों तरफ से एज़ कम्पेयर टू कैमरा तो बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ा और इंप्रूवमेंट आने के लिए बूम का सेटअप मैंने लगाया और इसमें आपको कंपेरिजन दिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो इसीलिए मैंने ये आप लिया है। तो जो जो भी फ्रेंड्स लेना चाहते हैं और ये बूम सेटअप करना चाहते हैं, तो उससे काफ़ी आपको वॉइस में डिफरेंस पता लगेगा। तो यही मैं इसमें बेसिकली आपको बता रही है। अब मैंने थोड़ा ऊपर किया है आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए कितने पास इससे मेरा माइक आ जाता है फ्रेम से। मैंने अब जान के थोड़ा इसको टिल्ट किया था आपको दिखा सकूं। तो दिस इज़ द स्पेस, इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाता है। अब इसी पे मैं आपको अगर स्टैंड लगा के दिखाऊं, अब मैंने थोड़ा ऊपर किया इसको, या नाउ इट इज़ आउट ऑफ फ्रेम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये आपको सेटिंग अपने आप करनी पड़ेगी। और जो ये मैंने जुगाड़ लगाया हो इसकी भी आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली टेबल स्टैंड है, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर बूम स्टैंड। अगर आपने बूम स्टैंड लेना है वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये सस्ता जुगाड़ पड़ जाता है और टेबल में कॉम्पैक्टनेस के लिए है। तो इसका भी मैं लिंक इसमें आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तब आपको पता लग जाएगा कि वॉट इज़ द बेसिकली कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। ये वायर थोड़ी महंगी आती है क्योंकि रोड की वायर है फ्रेंड्स, और आपको साउंड और रिकॉर्डिंग का काम करना है, तो इसमें आप सस्ती वायर मत लें तो बेटर है। ये वायर का फ़ायदा ये रहता है कि ये आपकी पूरी क्वालिटी आपको साउंड आउटपुट देगी, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी बूम स्टैंड अगर आप ले लेंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये जुगाड़ है, मतलब बिल्कुल मैं इसको बूम स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल हैंगिंग करके आपके बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, ऑफकोर्स थ्रो अच्छा आता है साउंड का, पर इतना पास से फिर वो आपको लगेगा कि माइक के आगे वो सिस्टम बनेगा नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो दूर के लिए दिस इज़ द चॉइस विच यू शुड गो फॉर। तो इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये टैग का वीडियो मैंने क्यों डाला, क्योंकि चैनल पे टैग से रिलेटेड जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी लेकर आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ फॉर द टैग। एंड आगे ड्रोन का एक अपडेट आ रहा है, सून यू विल गेट द। बाकी क्यों एंड ए अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं।